प्रभु राम जी के मंदिर प्रांगण में जो लॉकर की सुविधा है उसके लिए जो है निर्माण कार्य लगातार अभी चल रहा है। आप देखेंगे वहां से जो फोर्थ फ्लोर का निर्माण कार्य मतलब छत का भी निर्माण कार्य नहीं हो पाया है। और कुछ लोग कहेंगे कि बारिश होता है तो पानी नीचे तक आता है, आप देखेंगे वहां अभी पानी नीचे गिर रहा है एकदम से हल्का फुल्का आपको दिख रहा होगा। तो जब ऊपर से भाई अभी ऊपर काम चल रहा है और ऊपर से जब कोई नीचे आएगा तो बारिश गंदगी तो होगी, आप देखेंगे ना उधर से बंदर लोग निकल रहे हैं। और जब इधर आएंगे आप जब अंदर से इधर की ओर प्रवेश करेंगे तो आपको दिखाई देगा यहाँ पर काफी जो निर्माण कार्य है वो लगातार चल रहा है और इसका एरिया भी काफी बड़ा है। और यहाँ पर अभी देखेंगे आप कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो लगातार चल रहा है। ये मेन गेट होने वाला है, जैसे अभी तीन गेट बनाया गया है वहां दिख रहे हैं ना, एक छोटा गेट बन रहा है, ये मेन गेट है और साइड में छोटा गेट है। उधर से एंट्री अभी हो रही है और इधर से एंट्री हो रही है, मतलब एंट्री का मतलब एग्जिट हो रहा है और इधर से अब ये जब मेन बन जाएगा तो एग्जिट का काम इधर से होगा। अभी भी आप देखेंगे ना वहाँ ऊपर जो है वो निर्माण कार्य बहुत ही जबरदस्त तरीके से चल रहा है। और दोस्तों आज हम आए हैं यहाँ पे मंदिर प्रांगण के अंदर, तो आज हम रिएक्शन वीडियो नहीं शूट करेंगे ना हम दुकान का रिएक्शन वीडियो आज शूट करेंगे, क्योंकि आज बारिश है और बारिश के कारण से कहीं भी ना पब्लिक से ना कुछ नहीं, आज केवल हम वीडियो बनाएंगे और ये दिखाएंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे पूरा बाल हटाओ, पहले बाल हटाओ फालतू। फिर आप लोग देख रहे हैं हम ना आज कहीं भी नहीं जाने वाले हैं, तो आज यहीं पे आए हैं, आज यहीं का वीडियो बनाएंगे और पूरा डिटेल में आज वीडियो दिखाने वाले हैं। और जो आप लोगों को दिखाने वाले थे हमारे शॉर्ट टाइप वीडियो में, आप लोगों ने देखा था राम जी की दो तीन जगह पे ऐसी ऐसी प्रतिमाएं बना के रखी गई हैं जिन पे लोग सेल्फी और फोटो खींच रहे हैं, तो आज हम वो वीडियो भी दिखाएंगे आपको और पूरा रियलिटी में एक एक चीज़ें करके दिखाने वाले हैं। और जो बारिश हो रहा है, बारिश कहाँ पे लोग दिखा रहे थे गांड भर पानी भरा हुआ, इतना भरा हुआ उतना भरा, तो वो सब पूरी चीज़ें हम आज आपको रियलिटी एकदम दिखाने वाले हैं। तो चलते हैं वीडियो, आज धमाकेदार वीडियो होने वाली है, तो चल रहे हैं आगे। तो गाइस जहाँ से अभी हमने शूट किया है आप हमारे सामने देखेंगे प्रभु श्री राम जी की प्रतिमा को स्थित करा गया है और इसके लिए एक सुरक्षा गार्ड भी रखा गया है। आप देखेंगे जो सुरक्षा गार्ड है यहाँ पे जो बंदर हैं वो आते हैं, और आप दूसरे कोने में आप वहाँ देख सकते हैं सबसे किनारे जहाँ पे हमारी उंगली गई है वहाँ देख सकते हैं फूल सब गायब हो चुके हैं। तो यहाँ पर जब आप जाएंगे फोटो का मतलब जब अच्छा रहेगा तो ही ना फोटो खींच सकते हैं, नहीं तो सब एकदम बेकार लगेगा, देखने में अच्छा नहीं लगेगा, तो इसी के लिए लोग खींचते हैं। और यहाँ पर अभी सामने अगर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो अभी निर्माण कार्य है वो भी अभी चल रहा है। आप देखेंगे यहाँ थर्ड फ्लोर का निर्माण कार्य है, तो अभी स्ट्रक्चर बना दिया गया है और स्ट्रक्चर के बाद से इसका निर्माण कार्य होगा, अभी इधर भी नहीं हो पाया है। मतलब जो प्रभु श्री राम जी के भक्त थे उनके लिए खोल दिया गया है दर्शन करने के लिए, जबकि आप देखेंगे यहाँ पर और यहाँ से आप देखेंगे नीचे से लोग निकल रहे हैं। यहाँ पे प्रभु श्री राम जी का जो मंदिर प्रांगण के अंदर लोगों ने दर्शन किया और फिर दर्शन पूजन करके लोग वापस आ रहे हैं, तो वो लोग इधर से निकलेंगे जबकि जाने का रास्ता सामने जाने का रास्ता उधर से है और आने का रास्ता इधर से, तो हम लोग निकास से खड़े हैं और इधर से ही हम लोग चलेंगे अंदर मंदिर प्रांगण के अंदर ठीक तरीके से और आपको दिखाएंगे एकदम डिटेल वीडियो। तो गाइस आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे प्रभु श्री राम जी के जितने भक्त आए हैं, बहुत ज्यादा पब्लिक है आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे उनके सुरक्षा के लिए देख रहे हैं ना तंबू लगाए गए यहाँ पे। आप जब आएंगे तो आपको ऐसा नहीं महसूस होगा, मतलब नीचे तो बारिश है, उसकी तो बात छोड़ दीजिए, आप लोग इधर देखिए यहाँ पे कितना बढ़िया तंबू लगाया गया, तंबू नीचे तक लगा दिया गया जिसके कारण से भक्त भीगे ना और बैठने की व्यवस्था यहाँ पे है। और ये थोड़ा बहुत पानी रहेगा ही रहेगा, देख रहे हैं नीचे की तरह ये देखिए गाइस यहाँ पानी भरा हुआ है, लेकिन ये जो पानी है ये बहकर वहाँ से गटर में चला जाता है, बीच बीच में गटर बनाया गया तो उन सभी जगहों पर ये पूरे पानी को चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है आराम से। और यहाँ से जितने हैं प्रभु श्री राम जी के भक्त वो लोग मंदिर प्रांगण में जा रहे हैं। तो गाइस आप लोग सामने देख रहे हैं प्रभु श्री राम जी के मंदिर प्रांगण में जो लॉकर की सुविधा है उसके लिए जो है निर्माण कार्य लगातार अभी चल रहा है। आप देखेंगे वहां से जो फोर्थ फ्लोर का निर्माण कार्य मतलब छत का भी निर्माण कार्य नहीं हो पाया है। और कुछ लोग कहेंगे कि बारिश होता है तो पानी नीचे तक आता है, आप देखेंगे वहाँ अभी पानी नीचे गिर रहा है एकदम से हल्का फुल्का आपको दिख रहा होगा। तो जब ऊपर से भाई अभी ऊपर काम चल रहा है और ऊपर से जब कोई नीचे आएगा तो बारिश गंदगी तो होगी, आप देखेंगे ना उधर से बंदर लोग निकल रहे हैं। और जब इधर आएंगे आप जब अंदर से इधर की ओर प्रवेश करेंगे तो आपको दिखाई देगा यहाँ पर काफी जो निर्माण कार्य है वो लगातार चल रहा है और इसका एरिया भी काफी बड़ा है और यहाँ की डिजाइन और मंदिर प्रांगण की डिजाइन सब सेम ही होने वाली है। और यहाँ से आप ये जो बड़ा सा गेट बना रहा है अभी हमने जब सामने से अभी हम जब जहाँ से वीडियो स्टार्ट करे हैं वहाँ से आए हैं और बड़े गेट से जब इधर की ओर एंट्री मारेंगे तो फिर इधर की ओर आ जाएंगे और हम आपको साइड में ले चल के दिखाएंगे। यहाँ पर एक बड़ा सा नाला गटर बना दिया गया है, आप देखेंगे ये जो गटर है ये पानी निकालने के लिए ही किया गया है। और यहाँ पर अभी देखेंगे आप कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो लगातार चल रहा है। ये मेन गेट होने वाला है, जैसे अभी तीन गेट बनाया गया है वहाँ दिख रहे हैं ना, एक छोटा गेट बन रहा है, ये मेन गेट है और साइड में छोटा गेट है, उधर से एंट्री अभी हो रही है
और इधर से एंट्री हो रही है, मतलब एंट्री क्या मतलब एग्जिट हो रहा है, और इधर से अब ये जब मेन बन जाएगा तो एग्जिट का काम इधर से होगा। अभी भी आप देखेंगे ना वहाँ ऊपर जो है वो निर्माण कार्य बहुत ही जबरदस्त तरीके से चल रहा है, और यहाँ से अभी जो है काम चलने के लिए योजना बनाई जा रही है। और गाइज यहाँ पर सीसीटीवी हमसे गाइज जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे थर्ड फ्लोर का कार्य चालू है, और हम ये दिखाने चाह रहे हैं काफी अच्छे से बन रहा है, और जो मंदिर अभी कम से कम 2030 तक बनेगा, इसमें रहने की व्यवस्था, व्यक्ति को निशुल्क भोजन की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, तो आप लोग देख ही रहे हैं एसी रूम बना हुआ पूरा बकायदा मेंटेन, भक्तों की सुविधा के लिए रहेगा। मैं एसी रूम में चलूंगा, वहाँ भी आपको दिखाऊंगा, ऐसा नहीं है, मैं एसी रूम में भी चलूंगा, तो वहाँ भी आप लोग को दिखाएं। और एक चीज और जो कह रहे हैं, अब बताइए इतना बड़ा बड़ा नाला क्या करने के लिए बना है, ये बनाया क्या करने के लिए गया? बारिश के पानी को जाने के लिए तो बनाया है। जो वीडियो दिखाते हैं गलत वीडियो, ये नाला क्या करने के लिए बनाया गया? नाला इसीलिए बनाया गया है कि पानी उसके अंदर चला जाए, जो बारिश हो पानी हो, जैसे अभी यहाँ पानी भरा हुआ है, अभी इसको अगर हम वीडियो बना के दिखाएं कि ये नहीं मंदिर प्रांगण के अंदर बारिश हुआ बस भर गया पानी, यहाँ जो लोग आ रहे थे वहाँ पानी भर गया, यहाँ के बारे में दिखाएंगे कि यहाँ फर्स्ट टाइल जो मार्बल जो लगाए गए अच्छे से लगाए गए, सुकून में लगाए गए, डिजाइन में लगाए गए, उसको नहीं दिखाने वाले, बल्कि पीछे वाले से दिखा देते हैं कि नहीं यार यहाँ पर आप देखो कि आप बारिश का पानी भरा हुआ, आप ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो बारिश होना और पानी भरेगा, सामान गिरेगा, गंदा होगा, ये तो स्वाभाविक की बात है, इसके लिए कोई दिल में अपने मलाल ना रखें। और गाइज जो ये बड़ा वाला गेट बन रहा है इसका भी अभी जो जैसे लोग कहते हैं ना कि बीजेपी हार गई है अयोध्या से, तो अब अयोध्या में जो मंदिर प्रांगण बन रहा था उसका जो कार्य है वो प्रतिबंध हो जाएगा, रुकेगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है यार। सांसद के हाथ में क्या होते हैं वो नगर निगम देखते हैं, ना कि कोई सांसद देखता है। यहाँ लल्लू सिंह सांसद थे, 5 साल में एक भी बार नहीं आए, केवल VIP दर्शन करने के लिए आए थे, और तो VIP केवल दर्शन करने के लिए आए, वो नहीं आए कोई काम के लिए, और उद्घाटन समारोह में भी शायद आए थे नहीं आए थे पता नहीं, हमें ध्यान नहीं है। तो आप देखेंगे यहाँ का जो निर्माण कार्य था ये तो हो गया, अब हम थोड़ी देर अंदर की ओर चलेंगे, और यहाँ आप देखेंगे ना पूरा एकदम भक्तों के लिए आने जाने की उचित सुविधा है, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है। और इधर गेट लगा दिया गया है, जब हम पहले आते थे तो गेट नहीं लगा था, आज गेट लग गया है, अब धीरे धीरे इसमें निर्माण कार्य चालू हो रहा है, हर जगह गेट लगेगा, क्योंकि गेट लग जाएगा तो प्रतिबंध करने में मतलब ज़्यादा भीड़ हो जाने में उनको रोकने में बढ़िया रहेगा, और नहीं तो काफी दिक्कत होने लगती है। और यहां अधिक आप देखेंगे लॉकर की सुविधा जो दिया गया है, जब आप लोग इधर आएंगे तो आप लोग को चाबी मिली रहेगी नंबर वाइज, और इधर आएंगे तो अपना मोबाइल फोन पर्स मिल सकता है यहाँ पे आपको। आप देखेंगे यहीं पे सबका मोबाइल पर्स घड़ी सब कुछ जमा हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक चीजें, और हम जमा नहीं करेंगे बल्कि हम अंदर की ओर चलेंगे और आपको दिखाएंगे यहाँ पर ये जो भक्तों की संख्या वो लगातार है और बढ़ती जा रही है, और यहाँ बारिश बाहर कितना ज़्यादा हुआ लेकिन अंदर आपको ऐसा महसूस ही नहीं होगा कि अंदर बारिश हो रही है, और यहाँ पर जितने भी लोग जैसे यहाँ से जहाँ पर आपको मिलेगा शौचालय की व्यवस्था जो कि मंदिर प्रांगण में निःशुल्क के तौर पर कर दी गई है, और यहाँ पर आप AC का जो वेटिंग हॉल देख सकते हैं, यहाँ पर जो है बारिश होने के कारण भक्त कम आए हैं, इसलिए नहीं तो ये हमेशा भरा रहता है। एक यहाँ बड़ी सी LED लगाई गई है, आप देख रहे हैं इसी LED पर जो है वो चलाया जाता है रामायण जो है बनाई गई है अरुण गोविंद जी की, वो रामायण यहाँ पे प्ले होती है इस LED पे, और पूरा एकदम से आप देख पाएंगे यहाँ से लेकर वहाँ तक जो AC रूम है AC हॉल है, अब पहले तो भरा रहता था खचाखच लेकिन अब उतना नहीं भरा है, और ये दो पार्ट में बनाई गई, एक पार्ट ये और एक वहाँ जहाँ पर्दा लगा उसके पीछे वाला पार्ट, तो दो पार्ट में इसका निर्माण किया गया है, और हम चल रहे हैं जिधर से भक्त आ रहे हैं उधर से दिखाकर दूसरे वाले पार्ट में चलेंगे, और यहाँ से भी एग्जिट का मतलब घुसने का बना है और वहाँ से भी आप अंदर आ सकते हैं, तो चलते हैं आगे, और आगे का तो हम आपको देखते हुए दिखा रहे हैं एकदम से एकदम फ्रेश, और आप यहाँ देखेंगे यहाँ से भी लोगों की एंट्री होती है एग्जिट, जो लोग मंदिर प्रांगण में दर्शन करके आ जाते हैं वो यहाँ आ सकते हैं, और आते हैं अपना वेटिंग हॉल में बैठते हैं और बैठकर अंदर की ओर जा सकते हैं यहाँ पर भी, और हाँ कोई इधर से अंदर की ओर नहीं जा सकता क्योंकि जहाँ से लोग आते हैं प्रवेश करते हैं वहाँ पे उन्हें मतलब ऐसी सुविधाएं दी गई हैं कि वहाँ पे सिक्योरिटी की व्यवस्था है, तो सिक्योरिटी की व्यवस्था है वो अंदर आपको जाने नहीं देंगे, आप देख लीजिए आज का, और मैंने अपने वीडियो में आज को बताया था, तो मैंने अपने वीडियो में आज बताया था कि मैं AC रूम में जाऊंगा, आपको AC रूम यहाँ का दिखाऊंगा, आप देख रहे हैं ना यहाँ पूरा AC लगा है, मतलब यहाँ आपको गर्मी हल्का सा भी महसूस हो ही नहीं सकता, 1% महसूस नहीं होगा। तो गाइज अभी हमने आपको दिखाया AC रूम, ये हम आज हमारा पूरा मोटिव था, बहुत लोग नहीं जानते प्रोफेसर राम जी का दर्शन करने के लिए आ जाते हैं, और आते हैं वो बेचारे गर्मी में आते हैं गर्मी में ही चले जाते हैं, AC रूम की व्यवस्था और सुविधा नहीं जानते हैं, तो आज हम वो AC रूम आपको तो दिखा रहे हैं ना, ये सामने AC रूम है,
और ऐसे ही आप लोग अगर वीडियो में बने रहिएगा और जो जानकारी नहीं है अगर आप लगातार पूछते रहेंगे तो मैं उसके बारे में जा के बताता रहूँगा। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक या सब्सक्राइब जरूर करें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय जय श्री राम।